हमने अपने सिस्टम पर नोड जेएस इंस्टॉल कर रखी है। नोड जेएस क्यों इंस्टॉल कर रखी है? क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट को रन करा रहे हैं। ये सिंपल सा हमने टास्क किया है, ठीक है, ये हमने इंस्टॉल की है। और इंस्टॉल करने के बाद सीएमडी पर चेक की है। इंस्टॉल करने के बाद हमने सिंपल सा यहाँ पर चेक कर लेना है कि हमारे पास कौन सा नोड का वर्जन हमने इंस्टॉल किया है, जिसके लिए हमने नोड स्पेस माइनस वी की कमांड रन करानी है, ठीक है, कि हम कौन सा वर्जन हमारे पास है। तो रिलीज से पहला वाला इंस्टॉल कर लेना है। नोड जेएस एक रन टाइम एनवायरमेंट है जो जावास्क्रिप्ट को रन कराने के लिए यूज होता है। नोड जेएस एक लैंग्वेज नहीं है, जिसपे हमने कल डिस्कशन किया है, ठीक है। ये सर्वर साइड की तरीके से यूज होता है, बट इसके साथ में हमें एक्सप्रेस जेएस यूज करना पड़ता है, ठीक है, जो एक फ्रेमवर्क होता है। तो नोड खुद से कुछ नहीं करता है, क्लियर। ये सिंपल से एक बात हमने करी है। उसके बाद हम लोगों ने एक पर्टिकुलर फोल्डर क्रिएट करना है, जिस फोल्डर पे हम लोग हमारे पास यहाँ पर जैसे मैंने फोल्डर एक क्रिएट किया है और उस पर्टिकुलर फोल्डर पे हम लोग चले गए। जैसे डेस्कटॉप पे ड्यूकैट हमारे पास है और हमने ES6 नाम से एक फोल्डर क्रिएट किया है, जिस फोल्डर को हम लोग ओपन कर लेते हैं, ठीक है। हमने सिंपल से कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन किया था। वो डिस्कशन ये किया था कि भाई हमारे पास जो फंक्शन है, उस फंक्शन को अभी हम लोग एरो फंक्शन की तरीके से लिखने लगे हैं, ठीक है। और क्यों लिखने लगे हैं ऐसा कुछ हमने डिस्कशन नहीं किया है, या फिर हमने टेम्पलेट लिटरल के बारे में कॉन्सेप्ट में बात करी कि अगर आपको मल्टीलाइन स्ट्रिंग लिखनी है तो आप बैकटिक का यूज करते हैं। और यहाँ पर अगर आप सम इज समथिंग अगर दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सम इज समथिंग को जो भी वेरिएबल पे वैल्यू आ रही है उसको डॉलर से इंडिकेट करके दिखा रहे हैं, ठीक है। एक फंक्शन ऊपर आपने बनाया है, उस पर आर्ग्यूमेंट आप ये है, उसकी वैल्यू को अगर आपको एक्सेस करना है, आउटपुट दिखाना है, तो आप कुछ इस तरीके से सम इज समथिंग दिखा रहे हैं। मैं एक अगली फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, नोटिस करना, d.js। यहाँ पर सिंपल हम डिस्कशन करते हैं जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। बट जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने के लिए हमारे पास कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट है कि आप वेरिएबल को a इज इक्वल टू 10 कुछ ऐसे बना सकते हैं। आप वेरिएबल को कीवर्ड डिफाइन कर सकते हैं वेयर a इज इक्वल टू 10। और अब हमारे पास दो नए कीवर्ड डिफाइन हुए ES6 में, वो है हमारे पास लेट a इज इक्वल टू 10। आप कुछ इस तरीके से वेरिएबल बना सकते हैं, या फिर वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 10, इस तरीके से वेरिएबल बना सकते हैं। हमें ये समझना है कि इन सब में डिफरेंस क्या है, क्लियर हो रही बात। तो वेरिएबल को तो हम इज इक्वल टू 10 से भी लिख सकते हैं, वेयर इज इक्वल टू 10 भी लिख सकते हैं, लेट इज इक्वल टू 10 भी लिख सकते हैं, कॉस्ट इज इक्वल टू 10 भी लिख सकते हैं। कीवर्ड कुछ हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। इस सिंपल सी बात को हमें समझने के लिए एक बेसिक सी बात को समझते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, लेट से कोई भी वेरिएबल बनाया a इज इक्वल टू 10 और एक फंक्शन बनाया, फंक्शन f1। और यहां पर मैंने लॉग करवा दिया लेट से a वाली वैल्यू को, और एक और फंक्शन बनाया लेट से फंक्शन f2 मैंने बनाया। अगर मैं लिखता हूं फंक्शन f2, यहां पर मैं आया console.log और मैंने लेट से इस पे लिख दिया क्या, ठीक है। वेरिएबल के आगे मैंने अभी कोई भी कीवर्ड नहीं बनाया है और मैं यहां पर f2 लेट से इस फंक्शन को कॉल करा देता हूं, तो f1 और f2 दोनों फंक्शन मेरे पास कॉल हो रहे हैं। मैंने सिंपल सा काम किया, यहां पर cls लिखा और रन कराकर देखा, नोड स्पेस d, ठीक है, रन कराने के इस पर्टिकुलर फाइल को, या तो मैं नोड स्पेस डी लिखूं या नोड स्पेस डी डॉट जेएस लिखूं, बात एक है,
मैंने सिंपल सा इसे रन कराया तो मेरे पास दोनों जो भी वेरिएबल्स मैंने बना रखे हैं उन दोनों वेरिएबल्स के अंदर फंक्शंस के अंदर वो पर्टिकुलर वैल्यूज एक्सेस हो रही है जो मैंने a इज इक्वल टू 10 बना रखा है। अगर मैं a इज इक्वल टू 10 बिना किसी कीवर्ड के डिफाइन करके इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर बनाता हूँ, इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर बनाता हूँ, ठीक है, और मैं इसे अब रन कराता हूँ, मैंने यहाँ पर सिंपल सा लिखा cls और नोड स्पेस डी डॉट जी एस ऐसा कुछ लिखा, ठीक है, तभी दोनों फंक्शंस के अंदर वैल्यू एक्सेस हो रही है। क्लियर? इसका मतलब अगर मैंने किसी भी वेरिएबल के आगे कोई कीवर्ड नहीं बन लिख रखा है तो वो वैल्यू अभी के केस में कैसे एक्सेस कर रही है, पब्लिकली एक्सेस कर रही है। पब्लिक का मतलब क्या होगा कि भाई ये कहीं पे भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है, एक घर के अंदर बना रखा है बट उसके आगे कोई भी कीवर्ड डिफाइन नहीं है तो दूसरे घर के अंदर भी एक्सेस कर जा रहा है, घर को ब्लॉक बोल रहे हैं क्योंकि कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और कर्ली ब्रैकेट क्लोज है फंक्शन का ब्लॉक। सिंपल सा अभी नोटिस करना इस बात को बस, और अगली बार अगर मैंने यहां पर कीवर्ड डिफाइन किया जो कि पहले था ES5 में, वो कीवर्ड कौन सा था, वेर। अगर मैंने वेर कीवर्ड से किसी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बनाया और मैंने इसे कंट्रोल प्लस एस सेव किया और जाकर cls किया रन करा दी फाइल नोड डी डॉट जी एस, तो अभी आप नोटिस कीजिए जब आप किसी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर वेरिएबल बना रहे हैं तो लाइन नंबर 7 पर आपको एरर दे रहा है। लाइन नंबर 7 मतलब ये वाली लाइन, ये क्या कह रहा है आपको, कहता है कि a इज नॉट डिफाइंड, मींस इस a की वैल्यू को अभी ये प्राइवेट कर दे रहा है, कर रहा है। अगर आपने वेर कीवर्ड से डिफाइन किया है किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल तो उसका स्कोप क्या है, विद इन दैट पर्टिकुलर फंक्शन, उसके बाहर हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो रही बात, ठीक है, अगली चीज पे फोकस करना, अभी आपको सिर्फ देखना है, ठीक है। अगली चीज मैंने किया क्या, लेट से मैंने एक फाइल बनाई ई डॉट जे एस, तो अगर मैं वेर कीवर्ड से किसी भी फंक्शन के अंदर कोई कीवर्ड बना रहा हूं, कोई वेरिएबल बना रहा हूं तो उसका स्कोप विदिन फंक्शन है, उसके बाहर वो एक्सेस नहीं कर रहा है, और अगर मैं वेरिएबल के आगे कुछ नहीं लिखता हूं तो वो कहीं पर भी एक्सेस कर रहा है, बेसिकली पब्लिक टाइप है। अगर मैंने फिर से नोटिस करना, मैंने कोई फंक्शन F1 बनाया, अब लेट कीवर्ड कब आया है, लेट कीवर्ड आया है 2015 में, ठीक है, ये 6 में, लेट कीवर्ड पहले नहीं था। अब ये लेट कीवर्ड क्या करता है, आप प्लीज फोकस करिए बातों पे। यहां पर हमने लेट से एक सिंपल सा कोई भी कॉन्सेप्ट बनाया, लेट से मैंने यहां पर ऐसा लिख दिया वेर ए इज इक्वल टू 10, मैंने एक कंडीशन बना दी, मैंने लिखा इफ ए डबल इज इक्वल टू 10, अगर ए की वैल्यू क्या है 10 है तब एक कीवर्ड और डिफाइन कर दिया, लेट से मैंने लेट लिखा लेट बी इज इक्वल टू 20 ऐसा कुछ डिफाइन कर दे रहा हूं, और मैं यहां पर लॉग करके देखता हूं कि लॉग बी की वैल्यू पर क्या आ रहा है, ठीक है। और इस इफ ब्लॉक के बाहर, ये इफ वाला ब्लॉक है, इफ का कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, अच्छा इसके बाहर मैंने यहां पर अगर फंक्शन के अंदर ही अगर मैं लॉग लिखता हूं और ए को प्रिंट कराता हूं, और लॉग लिखता हूं किसको प्रिंट कराता हूं, बी को प्रिंट कराता हूं बाहर, ये इफ ब्लॉक के अंदर बी को प्रिंट कराया है और ये इफ ब्लॉक के बाहर प्रिंट कराया है, आपको बी पे फोकस करना है क्योंकि लेट कीवर्ड पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, लेट कीवर्ड से बी वेरिएबल पर फोकस करना है। मैंने यहां पर कंट्रोल प्लस एस सेव किया और अगर मैं इसे रन कराता cls और मैंने नोड ई डॉट जे एस वाली फाइल को रन कराया, लेट्स से ई डॉट जे एस ये मैंने लिखा और इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करा दो, क्योंकि ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या नहीं हो रखा है, कॉल नहीं हो रखा, कंट्रोल प्लस एस मैंने सेव किया और cls रन करा दी फाइल नोड ई डॉट जे एस, तो अभी आप नोटिस कीजिए
B is not defined, मुझे लाइन नंबर 8 पर क्या देता है? एरर देता है. मींस मैं B को कहां एक्सेस नहीं करा पा रहा हूं? ब्लॉक के बाहर. तो अगर मैं यहां पर लेट कीवर्ड की बात कर रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा, लेट कीवर्ड का जो एक्सेस पॉइंट है वो है एक ब्लॉक. ब्लॉक मतलब कर्ली ब्रैकेट. ब्लॉक का मतलब कर्ली ब्रैकेट. कि अगर मैंने लेट कीवर्ड से किसी वेरिएबल को डिफाइन किया है, वो कर्ली ब्रैकेट के बाहर एक्सेस नहीं कर पा रहा है. जरूरी बात. अच्छा, यहां पर मेरे दिमाग में अचानक से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ. ठीक है, वो कंफ्यूजन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ऐसा सबके साथ होता है. मैंने इस पर्टिकुलर लाइन को यहां से रिमूव कर दिया और मैंने इस पर्टिकुलर वेरिएबल को लेट कीवर्ड से डिफाइन कर दिया. ठीक है, और मैंने यहां पर फंक्शन F2 बनाया और फंक्शन F2 के अंदर लेट से मैंने कंसोल डॉट लॉग लिखकर A को यहां पर एक्सेस कर दिया और A यहां पर भी एक्सेस करा इस जगह. और मैंने F1 और F2 दोनों कॉल कराए. अब मुझे ये जानना है क्या ये A यहां पर एक्सेस करेगा F2 फंक्शन में? नहीं. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ब्लॉक में आता है. कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और कर्ली ब्रैकेट क्लोज के अंदर बना दिया है मैंने. अब ये इस बार ये फंक्शन का ब्लॉक है, राइट है बात? ठीक है, तो ये बाहर एक्सेस नहीं करेगा. तो यहां पर आंसर आप समझ रहे हो, आंसर देते समय क्या बोल रहे हो? ब्लॉक के अंदर आता है. अच्छा, यहां पर अगर आप यहां पर देखो, यहां पर अगर आप वेयर बात करते हैं तो वेयर वाले केस में क्या बोल रहे हो? वेयर का एक्सेस क्योंकि विद इन अ फंक्शन है तब बाहर एक्सेस नहीं करेगा. तो आंसर देने में दोनों में डिफरेंस है. जरूरी बात. वेयर वाले में जब आपको आंसर देना है, अगर आप वेयर कीवर्ड से किसी वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हो, क्या ये यहां एक्सेस करेगा? नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वेयर का स्कोप विद इन अ फंक्शन होता है. जरूरी बात. आंसर देते में वेयर में आंसर क्या दे रहे हैं? क्योंकि वेयर का स्कोप विद इन अ फंक्शन है. और जब आप यहां पर लेट लिखते हो तो लेट वाले में आंसर देते समय क्या बोल रहे हो? कि भाई लेट का स्कोप विद इन अ ब्लॉक है, इसलिए एक्सेस नहीं करेगा. क्लियर है? ठीक है, ये सिंपल सी भी बात बोली. अभी कुछ ऐसा ऐसा कुछ नहीं बोला. बाकी यहां पर अगली बात पर बोलते हैं. लेट से मैंने एक फाइल बनाई एफ डॉट जे एस. लेट से मैंने ये पर्टिकुलर फाइल बनाई. अब कॉस्ट कीवर्ड क्या है? कॉस्ट कीवर्ड अगर मैं डिफाइन करता हूं, जैसे मैंने लिखा कॉस्ट ए इज इक्वल टू, लेट से मैंने लिख दिया 10 और मैंने लॉग कराया किसको? ए को. तो आप सिंपल सा अभी देख लें, मैंने सी एल एस इसे रन किया और अपनी फाइल है अपनी एफ डॉट जे एस. तो 10 नीचे एक्सेस करता है. ठीक है. अच्छा, कॉस्ट कीवर्ड से अगर मैंने किसी भी वेरिएबल को डिफाइन कर रखा है या वेरिएबल पर वैल्यू दे रखी है, तो मैं अगली लाइन पर अगर a इज इक्वल टू 10 लिखता हूं और फिर क्या कराता हूं? a कराता हूं, ऐसा कुछ. और मैंने सी एल एस किया, नॉट एफ डॉट जी एस मैंने रन कराया. तो आप देखिए आपको क्या एरर देता है? असाइनमेंट टू अ कॉन्स्टेंट वेरिएबल. बेसिकली कॉस्ट कीवर्ड से अगर आप किसी भी वेरिएबल फंक्शन कुछ भी डिफाइन कर रहे हैं, तो कॉस्ट कीवर्ड से डिफाइन की गई चीजें दोबारा से री इनिशियलाइज नहीं हो सकती. अच्छा, ऐसा भी नहीं हो सकता है. अगर आपने यहाँ पर a इज इक्वल टू 10 लिया, बिल्कुल स्ट्रिक्ट है. अगर आपने a कॉस्ट a ऐसा डिफाइन किया और आप यहाँ पर पेज पर हैं, a इज इक्वल टू 20 अगर अगली लाइन पर लिख रहे हैं ऐसा, और अगर आप यहाँ पर सी एल एस देते हैं नोड एफ डॉट जे एस, तो आप देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं. क्या कहता है? मिसिंग इनिशियलाइज इन द कॉन्स्टेंट डिक्लेरेशन. तो जब आप इनिशियलाइज कर रहे हैं उसी समय आपको वैल्यू भी देनी है. ठीक है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ भाई कॉन्स्ट में? तो आपको एरर पढ़ के बताने पड़ते हैं उसे कि सर ये एरर आएगा, मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन. तो अभी मैंने सिंपल सी बात बोली कि भाई लेट कीवर्ड क्या है, कॉन्स्ट कीवर्ड क्या है, वेयर कीवर्ड क्या है और कॉन्स्ट से
क्या चीजों में डिफरेंस है, बस बेसिक बात बोली। जब हमारे पास पहले 2015 के बारे में अगर बात करते हैं, उससे पहले हमारे पास सिर्फ क्या थे, वेर, और बिना वेर के हम वेरिएबल या फंक्शन बना सकते थे। ध्यान देना इस पॉइंट पे। तो अगर मैंने इसको समझाने के लिए मैं एक बेसिक सा काम कर रहा हूं, मैं a.html नाम से एक फाइल क्रिएट कर दे रहा हूं और यहां पर shift plus exclamation mark alt plus z करता हूं और स्क्रिप्ट एक सिंपल सी मैंने यहां पर स्क्रिप्ट स्टार्ट और स्क्रिप्ट क्लोज करी, ठीक है। और लेट से मैंने यहां पर कोई भी एक फंक्शन बनाया, लेट से मैंने फंक्शन f1 इस तरीके से लिख दिया, फंक्शन f1 और रैंडम सा यहां पर लिखता हूं, लेट से मैंने लिखा log a और a की वैल्यू को यहां पर a is equal to 10 इस तरीके से बना दिया और ये मुझे कहीं ना कहीं कहां पर दिखाई देगा, ब्राउजर पे, ठीक है। मैंने यहां पर सेव किया और रन करके दिखता हूं ब्राउजर पे। तो ब्राउजर मेरे पास ओपन हो रहा है और इस पर्टिकुलर ब्राउजर पे अगर मैं राइट क्लिक करके कहां पर देखता हूं, इंस्पेक्ट पे, तो कंसोल पे मैंने इसे रिफ्रेश किया तो मेरे को ये जो भी वैल्यू फंक्शन के अंदर थी 10 एक्सेस करके दे रहा है, ठीक है। मैंने कैसा फंक्शन बनाया है, सिंपल सा, कोई भी ऐसा रेंडम सा मैंने वैल्यू किया, मैंने फंक्शन f1 लिखा और यहां पर इसको f1 को कॉल करा दिया, ठीक है। और ये मैंने सिंपल सा ब्राउजर पर देख लिया कि भाई ये क्या है। अच्छा, अब आप इस पॉइंट पे थोड़ा नोट कर, मैं लिखता हूं window.a और एंटर प्रेस करता हूं, तो आप नीचे देख रहे होगे आपको क्या मिल रहा है, 10। बहुत हल्का सा, अगर आप सिस्टम पे चलाओगे ना तो आपको यहां पर दिखाई देगा क्या मिलता है, 10, ठीक है। और अगर आप यहां पर लिखते हैं window.f1 और एंटर प्रेस करते हैं तो यहां पर अगर आप देखते हो जो भी आपके पास f1 आपने फंक्शन बनाया था, अगर आप f1 देखते हो तो ये देखो, ये f1 क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है, ठीक है। अब आपको एक बेसिक सी चीज समझनी है, जब आपने ये पर्टिकुलर कोड लिखा तो जावास्क्रिप्ट में पीछे बैकएंड पर क्या हो रहा है, जावास्क्रिप्ट मेमोरी इनसाइज कर रही है, ग्लोबल मेमोरी इंसलाइजेशन, पर्टिकुलर f1 फंक्शन को एक मेमोरी के अंदर डाल दिया जाता है, जावास्क्रिप्ट कर रही है ऐसा काम। और जो भी f1 फंक्शन है वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट विंडो है। जैसे मैंने आपको जब बेसिक पढ़ाया तो उसमें बोला कि आप अलर्ट लिखते हैं, विंडो नहीं भी लिखते हैं तो विंडो ग्लोबल होता है, बाय डिफॉल्ट होता है, बताता हूं। तो अगर आपने यहां पर आप नोटिस करना, अगर आप इसे console.log इस तरीके से लिखे f1 को, अगर आप क्या करा देते हैं, सिंपल ऐसा कुछ लिख देते हैं, मान लो मैंने यहां पर console.log f1 ऐसा लिखा और मैंने यहां पर पेज पर देखा तो आपके पास क्या आ रहा है, पूरा का पूरा फंक्शन, ठीक है। तो कंप्यूटर कर क्या रहा है, जो जावास्क्रिप्ट रन करती है, तो जावास्क्रिप्ट जो भी हमारे पास वेरिएबल हैं, जैसे कि ये वेरिएबल a is equal to 10, इस फंक्शन के कॉल करने से पहले सबसे पहले इस लाइन पर होगा एग्जीक्यूशन पॉइंट, तो f1 वाले फंक्शन को पूरा का पूरा जैसा लिखा है कहां पर डाल देता है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर, पूरा का पूरा मतलब ये पूरा, ठीक है, किसके अंदर चला जाता है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर। फिर अगली बार जब आपने अगला पॉइंट लिखा है a is equal to 10, तो पहले वो a के लिए मेमोरी डिफाइन करता है और a पर वैल्यू डालता है अनडिफाइंड, ध्यान से सुनना इस बात, a पर वैल्यू क्या डालता है, अनडिफाइंड। जब a is equal to 10 के बाद लाइन अगली जगह पे जाती है उस समय a पर वैल्यू डाल देता है 10, पहले a के लिए मेमोरी बनाया तो a पर डालेगा अनडिफाइंड, और यहां पर भी फोकस करना a के आगे कोई भी कीवर्ड डिफाइंड नहीं है अभी,
और कंसोल डॉट लॉग पर फिर हमें वो ए का जो भी है वो ए पर प्रिंट कब करेगा, वो तो तब करेगा जब मैं ऐसे कॉल करूंगा यहां से, जरूरी है बात। तो जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर ये नॉर्मल फंक्शन को, ध्यान दीजिए, नॉर्मल फंक्शन को सेम टू सेम लिख दे रहा है। और अगर ए की बात की जा रही है तो ए भी कहां पर है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दे रहा है। ठीक है, बट आप फोकस कीजिए अब नए वाले सिनेरियो पर क्या है। अगर मैंने यहां पर इस फंक्शन को चेंज कर दिया F1 और कैसा बना दिया, एरो फंक्शन, ठीक है, और मैंने कंट्रोल प्लस S सेव किया, ये तो अभी आया ना 2015 में। तो यहां पर अगर आप बात करते हैं और जाकर पेज पर अगर देखते हैं और अगर मैंने इसे सिंपली यहां पर देखा तो ये आपके पास क्या है, एरो फंक्शन। ठीक है, यहां पर आपने जो भी अपना एक्सेस कर रखा है एरो फंक्शन आपको दिखता है। अच्छा, यही चीज को अगर आप यहां पर कट करते हैं और इस पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू को कहां पर देखते हैं, कंट्रोल प्लस एस एफ वन, यहां पर अगर आप एफ वन को देखते हैं तो आप देखिए आप क्या कहता है, एफ वन इज नॉट डिफाइंड। और अगर आप सिंपली यहां पर देखते हैं, अब यहां पर अगर आपके पास ये फंक्शन था, अगर आप नॉर्मल वैसे बना रहे थे जैसा आप बनाते हैं आप किस तरीके से फंक्शन F1 कंट्रोल प्लस S सेव किया और जाकर अगर आप यहां पर पेज पर देखते हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, पूरा का पूरा फंक्शन, तब तो नॉट डिफाइंड नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपको ये समझना है जब आपके पास नॉर्मल फंक्शन डिफाइंड होता है, पॉइंट को नोट कर, जब आप नॉर्मल फंक्शन बना रहे होते हैं उस टाइम पर सेम टू सेम पूरा का पूरा फंक्शन आपके पास ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर जाता है। बट जब आप इस फंक्शन को एरो फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, जब आप इस पर्टिकुलर फंक्शन को किस पे कन्वर्ट कर देते हैं, एरो फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो एरो फंक्शन के केस में ये एफ वन को एज अ वेरिएबल ट्रीट करता है। और जब एज अ वेरिएबल ट्रीट करता है तो एफ वन फंक्शन पे अनडिफाइंड डालता है। जरूरी बात, ये नए कॉन्सेप्ट पे ऐसा ऐड किया है। तो एफ वन जब फंक्शन क्रिएट करता है तो एफ वन वाले फंक्शन पर वैल्यू डालता है अनडिफाइंड, इसको एज अ वेरिएबल ट्रीट करता है। ठीक है, और यहां पर अगर आप सिंपली इसे डिफाइन करते हैं तो ये आपको, अगर आप यहां पर पेज पर, अभी तो ये नॉर्मल ऐसे चल रहा है कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं एफ वन को ऐसे करता हूं तो ये तो यहां पर हमारे पास क्या है, पेज पर अगर देखते हो तो आपको क्या दिखता है, पूरा का पूरा फंक्शन जैसा दिख रहा है। ठीक है, और अगर आप इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करा देते हैं तो एफ वन फंक्शन आपने ऊपर डिफाइन कर रखा है, कंट्रोल प्लस एस सेव करते हैं तो एक तो अनडिफाइंड दिखाई देगा कंसोल डॉट लॉग वाले का, और एक ये दिखाई देगा, देखो एक अनडिफाइंड किसका दिखेगा, कंसोल डॉट लॉग का। तो आपको सिंपल सा एक पॉइंट नोट करना है कि जब हमारे पास एरो फंक्शन बनता है उस समय एरो फंक्शन के एफ वन को एज अ वेरिएबल ट्रीट करता है। जरूरी बात, सिर्फ पॉइंट नोट करना है। अगली चीज को आप यहां पर नोट करें, अगला पॉइंट क्या है कि भाई जब मैंने यहां पर फंक्शन बनाया है, जैसे मैं यहां पर अगर कोई भी कीवर्ड डिफाइन करता हूं, जैसे मैंने यहां पर लिखा, अगर मैं यहां पर कीवर्ड से डिफाइन कर देता हूं, मैंने a इज इक्वल टू 10 लिखा और अगर मैं पहली लाइन पर कंसोल डॉट लॉग लिखकर किसको एक्सेस करा देता हूं, एक, और मैं इसे सेव करके यहां पर पेज पर देखता हूं तो मेरे को क्या दे रहा है, a इज नॉट डिफाइंड का एरर दे रहा है, क्योंकि भाई आपने a को अभी डिफाइन ही नहीं किया है। अगर आप यहां पर इसको कीवर्ड दे रहे हैं कौन सा, वेयर, और जाकर अगर आप पेज पर देखते हैं तो वेयर कीवर्ड के केस में क्या देता है आपको, अनडिफाइंड। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला कि भाई जब भी जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन रन करती है वो इस वेयर कीवर्ड से बनाए गए वेरिएबल को पहले ए को अनडिफाइंड दे देती है ग्लोबल पे,
जब अनडिफाइंड दे देती है तो ए अगर आप एक्सेस कर रहे हैं ऊपर तो आपके पास ए पर क्या आता है, अनडिफाइंड आता है। बट लेट कीवर्ड के केस में ऐसा नहीं होता है। आप देखना, अगर मैंने क्या कीवर्ड बनाया यहां पर, लेट कीवर्ड से इसे बनाया, लेट ए इज इक्वल टू 10। तो अगर आप यहां पर पेज पर देखेंगे तो आपको एरर देता है कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इंस्टॉलेशन, क्योंकि लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड के लिए ये अलग से मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं। लेट और कॉन्स्ट किस मेमोरी के अंदर नहीं आते हैं, ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं आते हैं, विंडो के अंदर क्रिएट नहीं होती उनकी मेमोरी, वो अलग होते हैं। नए बनाए तो उनका मेमोरी स्कोप अलग है। तो अगर मैं यहां पर सिंपल सा एक्सेस कर रहा हूं, इस जगह पे अगर एक्सेस करता हूं लेट इज इक्वल टू 10 और कंसोल डॉट लॉग ए को ऊपर एक्सेस करूंगा तो ये एक्सेस नहीं होने देगा। तो आपने पहले वेरिएबल बनाया और उसके बाद इसे क्या किया, एक्सेस, कंसोल डॉट लॉग, इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तब ये आपके पास क्या होगा, इज इक्वल टू 10 देगा। तो आपको सिंपल सी आज थ्योरी पढ़नी है, जो थ्योरी आपको पढ़ना है खुद से, व्हाट इज टेम्पोरल डेड जोन, टेम्पोरल डेड जोन थ्योरी जो पढ़नी है, व्हाट इज टेम्पोरल डेड जोन इन जावास्क्रिप्ट। कि टेम्पोरल डेड जोन है क्या, ठीक है। तो यहां पर अगर आप पेज पर अगर बात कर रहे हैं तो ये कुछ टेम्पोरल डेड जोन जैसा ही कॉन्सेप्ट बनता है यहां पर, जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। इसलिए मैंने कुछ कुछ पॉइंट बोले। अगर आप यहां पर ऊपर लिख देते हैं, जैसे मैंने अगर लिखा ए यहां पर डिफाइन किया, ध्यान देना, अगर आप बना रहे हैं वेयर ए और a इज इक्वल टू 10 कहां लिख दे रहे हैं, ठीक है, और इसे सेव करके रन कराते हैं, जाकर अगर पेज पर लिखते हैं तो आपको क्या वैल्यू मिल जा रही है, 10, क्योंकि भाई ये तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर गया, ये वैल्यू दे दी 10, ठीक है। चाहे आप बाद में वेर ए बना रहे हो तो ये ग्लोबल की तरह काम कर जा रहा है ना, मेरी तो पड़ गई उस पे 10। तो इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है कि अगर आप वेरिएबल बना रहे हैं नीचे लेट से, और अगर आप a इज इक्वल टू 10 यहां पर डिफाइन कर देते हैं, कंट्रोल s 10 यहां पर दे रहे हैं, उस पे वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं, ये क्या कहता है आपको, कैन नॉट एक्सेस a बिफोर इनिशियलाइजेशन। पहले आपको वेरिएबल क्या करना पड़ेगा, बनाना है, उस पर वैल्यू दो भैया, तब उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, उसे एक्सेस कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है होइस्टिंग। अब आप सुनना, अब आप देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है होइस्टिंग। मैंने अगर लिखा होइस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट, तो आप देखिए जावास्क्रिप्ट होइस्टिंग रिफर्स टू द प्रोसेस वेयर बाय द इंटरप्रेटर अपीयर्स टू मूव डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन वेरिएबल और क्लासेस टू द टॉप ऑफ देयर स्कोप प्रायर टू एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड। आप अपने फंक्शंस या फिर वेरिएबल या फिर क्लास को कहां बना रहे हो, पहले बनाओगे और उसके बाद उन्हें क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। यहीं पर आप एक पॉइंट और नोट देखना, देखिए अगर आप लेट पे ऐसा नहीं कर पा रहे, देखिए ठीक है, लेट पहले बनाना है, वैल्यू देनी है, उसके बाद ही उसे क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, आपने नॉर्मल फंक्शन बनाया था, नॉर्मल फंक्शन कैसे बनाया था, एफ वन, और यहां पर आपने लॉग लिखा किसको, लेट्स से कुछ भी, गुड मॉर्निंग है जैसा कुछ लिख देते हैं, और यहां पर आप पर्टिकुलर फंक्शन को एफ वन को क्या कर देते हैं, कॉल करते हैं, तो क्या आना चाहिए, गुड मॉर्निंग। अगर आप इस एफ वन फंक्शन को यहां से हटाते हैं और एफ वन फंक्शन को कहां बना देते हैं, ऊपर कॉल कर देते हैं, देखो ऐसा किसी भी लैंग्वेज में नहीं होता है,
बट अगर आप यहां जावास्क्रिप्ट में देख रहे होंगे नॉर्मल फंक्शन में क्या कर जाता है, एक्सेस कर जाता है, गुड मॉर्निंग देता है, ठीक है। अगर आपने इसी चीज को एरो फंक्शन पे कन्वर्ट किया, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये पॉसिबिलिटी नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। बट जावास्क्रिप्ट ऐसा बिहेवियर करती थी, ठीक है। आप पहले फंक्शन को इनिशियलाइज करते हो, बनाते हो, उसके बाद ही आप फंक्शन को क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। आपने कोई पर्टिकुलर फंक्शन बनाया, अब इसको किस पे कन्वर्ट कर दिया मैंने, एरो फंक्शन, ठीक है। और अब आप ऊपर इसे F1 पे कॉल कराने की कोशिश करते हो, देखो आपको क्या देता है, F1 is null। तो अब F1 को पहले क्या करना पड़ेगा, आपने बनाना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप किसको कॉल कर सकते हैं, F1 को कॉल कर सकते हैं। आपके पास सेव किया और जाकर अगर पेज पर देख रहे हैं तो आप क्या आता है, गुड मॉर्निंग आता है। तो स्ट्रिंग में क्या कॉन्सेप्ट बोला गया, बोला गया कि मूव द डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन वेरिएबल और क्लासेस टू द टॉप ऑफ देयर स्कोप प्रायर टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड। तो जब आप लेट कीवर्ड से किसी वेरिएबल को बना रहे हैं तो आपको पहले बनाना है, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, उसे एक्सेस कर सकते हैं। जब आप एरो फंक्शन से पहले बनाओगे तभी आप एक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो वो सिंपल से जो वेर था कीवर्ड या बिना वेर के था वो कहीं पे भी कुछ भी एक्सेस करने देता था। अब ऐसा नहीं है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों की तरह बन गया है। और लेट और कॉन्स्ट के लिए डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन किया गया है। एरो फंक्शन एज अ वेरिएबल ट्रीट होता है और F1 फंक्शन के लिए ग्लोबल मेमोरी के अंदर अनडिफाइंड आता है एरो फंक्शन के लिए, बट नॉर्मल फंक्शन सेम टू सेम मेमोरी पर एलोकेट हो जाता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझना है, और इसीलिए मैंने आपको बोला है टेम्पोरल डेड जोन, आप गूगल पे सर्च मारोगे ना तो आपको सब निकल के आ जाएगा। नहीं, सब कुछ पहले डिक्लेयर करो और उसके बाद नीचे कॉल करो, ऐसा नहीं कि पहले कहीं पे भी कॉल कर रहे हैं। कंसोल डॉट लॉग जैसे अभी एक चीज दिखाई थी ना कि भाई अगर आप इस फंक्शन को नॉर्मल फंक्शन की तरह बना रहे हो तो ये ऊपर कॉल हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पहले फंक्शन बनाओगे उसके बाद ही उसे क्या करोगे, कॉल करोगे, ठीक है। होस्टिंग मतलब ये, अगर आप यहाँ पर कोई वेरिएबल पे बात कर रहे हो, जैसे आपने अभी वेरिएबल देखा था, अगर आपने यहाँ पर ये वेर ए लिखा है और ए इज इक्वल टू 10 ऊपर लिख रहे हो और यहाँ पर लॉग करा दे रहे हो ए को, ये एक्सेस कर जाता है, ये तो वैल्यू क्या देता है आपको, 10। बट आप लेट कीवर्ड से अगर डिफाइन करोगे तो लेट को आपको पहले बनाना होगा, ये यहाँ पर नहीं चलेगा, कहाँ बनाना पड़ेगा, यहाँ पर। तो लेट ए इज इक्वल टू 10 मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, ठीक है। और आपको पढ़ना है टेम्पोरल डेड जोन, जब आप टेम्पोरल डेड जोन पढ़ोगे तो उसको पढ़ते पढ़ते ही आपको सब कुछ पता चलेगा, मेमोरी एग्जीक्यूशन के बारे में पता चलेगा, सब कुछ कॉन्सेप्ट निकल के आएगा जो मैं बोल रहा हूँ। चलो अब देखते हैं, तो ये सिंपल सी बात मैंने बताई है अभी, ठीक है। ये सभी चीज कहाँ लेके जानी है, टॉप पर लेके जानी है। अगर मैं यहां पर पेज पर फोकस करूं, अगली चीज पर फोकस करते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है, आप एक बार रिवाइज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या बोला है। अच्छा अगली चीज देखो, यहां पर आपने लेट इज इक्वल टू 10 लिखा है, अगला इंटरव्यूअर क्वेश्चन क्या होता है कि भाई क्या मैं लेट इज इक्वल टू 10 दोबारा लिख सकता हूं, ठीक है। नहीं, मैंने यहां पर लॉग लिखा और मैंने क्या एक्सेस किया, ए, और जाकर अगर मैं पेज पर देखता हूं तो क्या कहता है, आइडेंटिफायर ए हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। लेट कीवर्ड से अगर आप पहले से किसी चीज को डिक्लेयर कर चुके हैं तो वो दोबारा से क्या नहीं हो सकता, डिक्लेयर नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन है इंटरव्यूअर, ध्यान से नोट करना इन बातों को, इसलिए मैं उन पॉइंट को ही नोट करते हुए बोल रहा हूं। तो यहां पर अगर अगली बात पे पॉइंट करे, इंटरव्यूअर इससे ऊपर नहीं बढ़ पाता है, भी तो इतना ही जानता है ना,
यहां पर आप पेज पर जाओ। अब क्या फिर अगला क्वेश्चन कह सकता है, क्या भाई जो मैंने वेर कीवर्ड से अगर कोई वेरिएबल बना रखा है कंट्रोल प्लस एस, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? ठीक है, क्योंकि ये ए जो है वो ए बन रहा होता है ग्लोबल मेमोरी के अंदर, तो यहां सब चलता था। अब आप खुद सोचो, अगर आपने कॉमनली किसी वेरिएबल इंट इज इक्वल टू 10 लिख रखा है, फिर अगली लाइन में क्या आप इंट ए इज इक्वल टू 20 लिख सकते हैं? नहीं। तो ये वेर वाले केस में सब चल रहा था। तो भाई इन्हीं चीजों को हटाने के लिए तो आपको ये 6 पे कीवर्ड लाने पड़े ना, लेट कॉन्स्ट एरो फंक्शन। अब आप यहां पर अगली चीज पे फोकस कर रहे हैं। अगर मैं यहां पर फोकस करूं, मैंने कहा भाई इस जगह पर तो वेर ए इज इक्वल टू 20 लिख रहे या वेर ए इज इक्वल टू 10 लिख ले, सब चलता है, अगली लाइन पर भी आ जाता है। अगला क्वेश्चन इंटरव्यूअर का क्या हो सकता है, क्या मैं कॉस्ट ए इज इक्वल टू 10 लिखकर क्या मैं अगली लाइन पर कॉस्ट ए इज इक्वल टू 20 कर सकता हूं? नहीं। जो नए वाले हैं वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, ठीक है, वो ग्लोबल मेमोरी के अंदर बनते ही नहीं है। देखो ए हैज बीन ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, एक तो वैसे भी नहीं कर सकता, कॉन्स्ट कीवर्ड है, ठीक है, तो कॉन्स्ट का मतलब तो वैसे ही क्या है, फाइनल है, फिक्स है। तो ये आपको समझना है कि लेट वेर और कॉन्स्ट कीवर्ड कैसे काम कर रहे हैं और होस्टिंग क्या है, ठीक है। तो आपको सिंपल आज गूगल में सर्च करना है अगली चीज, होस्टिंग रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, कि होस्टिंग रिलेटेड क्या इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू। ऐसा ही पूछेगा वो, इज इक्वल टू 10 नीचे बनाएगा, कहेगा क्या आएगा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो आप सिंपल सा अगर उसे आंसर देते हो कि भाई लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड से किसी भी वेरिएबल या कुछ भी आप इंसाइज कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उनका मेमोरी स्कोप जो है वो डिफरेंट है, पर जो बचे हुए नॉर्मल वाले जो फंक्शंस हैं या आप वेर कीवर्ड से डिफाइन करते हैं वो सबके सब ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर बनते हैं, ठीक है। अगली फाइल, अगर मैं यहां पर पेज पर जाता हूं, जैसे मैं एक फाइल क्रिएट करता हूं g.js, अगला कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर, हमने एरे पढ़ा है, ठीक है, तो मैं यहां पर पेज पर आया, जैसे मैंने एक सिंपल सा एरे बनाया a इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40, इस तरीके से मैं अरे बना रहा, ठीक है, और मैंने यहां पर कोई भी कीवर्ड अभी यूज कर दिया, लेट लिख दिया, कुछ भी लिख दिया इस तरीके का। तो अभी अब क्या करना है भाई, लेट कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करने हैं और एरो फंक्शन का यूज करना है, ठीक है, नॉर्मल को भूलने की कोशिश करनी है। हम यहां पर पेज पर आए, लेट ए इज इक्वल टू ऐसा कुछ मेरे पास एरे है, एरे क्या होता है, जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। सिंपल से अगर बात करी जाए कि भाई इस एरे में वैल्यू कैसे स्टोर होती है, 0, 1, 2, 3, 4 इंडेक्सिंग के हिसाब से, ठीक है, आपके पास एरे के अंदर मेथड सेट करी गई, नंबर ऑफ, जैसे कि क्या, अगर आपसे कहा जाए कि भाई इन सारे नंबर्स में से 10 से ज्यादा और 30 से कम वाला नंबर फाइंड करके दिखाओ, जो भी हमारे पास डेटा पड़ा है उस एरे में, अगर आपसे ये क्वेश्चन कर दिया जाए कि भाई इसमें जो भी आपने डेटा डाल रखा है उस डेटा में 10 से ज्यादा और 30 से कम की कौन सी वैल्यूज हैं वो बताओ, जैसे ऐसा कुछ मैंने वैल्यू डाल रखी, क्लियर है बात, 10 से ज्यादा और किससे कम,
30 से कम, अगर मैंने ऐसी कोई भी वैल्यू के लिए बोला। तो आप इसके लिए प्रोग्राम कैसे बनाते अगर आप बेसिक चीजों को जानते होते? बेसिक आना चाहिए मेरे दोस्त। अब देखो बेसिक नहीं आता होगा तो फिर मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा, फिर तो ऐसा होगा कि आपके लिए हवा बनेगी। लूप चलाते हैं, बिल्कुल। तो आप क्या करते भाई, लूप चलाते कुछ ऐसा, ठीक है? कहां से I is equal to 0 से लेकर I less than जो भी आपके पास a dot length, पहले लेंथ निकाल देते और I plus plus एक एक करके डेटा आता रहता, किसके पास आता रहता? कंसोल डॉट लॉग ए ऑफ आई पे आता रहता। और अगर मैं इसे सिंपली अभी क्या कर देता हूँ, सेव करके अगर रन करा देता हूँ, तो ये हमने बेसिक सा पढ़ा है। अगर मैं यहाँ पर सीएलएस करूँ और रन करा दूँ किसको, नोड जी डॉट जेएस, तो हमारे पास एक एक करके सारी वैल्यूज किसके पास आ रही है, ए ऑफ आई के पास, ठीक है? अब मैं यहाँ पर क्या बना देता, कंडीशन बनाता। अच्छा ध्यान रखना भाई, जिसको सी नहीं आती है, कोडिंग नहीं आती है, उसको मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा एडवांस में, ठीक है? ये तो मैं अभी लिख दे रहा हूं। तो ये आपको आना चाहिए बेसिक वाला प्रोग्राम। यहां पर आप पेज पर हैं, अब आप यहां पर कंडीशन बनाते क्या, अगर ए ऑफ आई ऐसा लिखते ना, ग्रेटर देन किसके है, 10 के है, एंड ए ऑफ आई लेस देन किसके है, 20 के है, तब क्या होता रहे, वैल्यूज प्रिंट होती रहे। लेट्स से अभी सिंपली अगर हम बात करें तो आप क्या करते रहते भाई, कंसोल डॉट लॉग जो भी आपके पास वैल्यू है वो आप क्या कराते रहते, प्रिंट करा देते। ऐसी कोई कंडीशन में आते ना, कंट्रोल प्लस एस से, और यहां पर आपने सीएलएस किया और रन करा दिया किसको, नोड स्पेस जी डॉट जेएस। तो जो भी 10 से ज्यादा और किससे कम है, 11:30 11:30 अभी टाइम है, तो हो रहा है वो वैल्यूज आ रही है, ठीक है? तो भैया अब जब आप ये 6 पे बात कर रहे हैं तो इन्हीं काम्स के लिए आपके पास क्या है, मेथड्स है। अब आप देखिए यहाँ पर अगर आप फोकस करते हैं, जब आपको ES6 पे बात की है, तो अगर मैं लिखता हूँ ES6 जावास्क्रिप्ट, ऐसा कुछ सिंपल सा सर्च करता हूँ, ठीक है? बेसिक से किसी भी वेबसाइट के अंदर जाता हूँ तो आप नोटिस कीजिएगा, तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। जैसे ये आपके पास मैप ऑब्जेक्ट, एरो फंक्शन, कॉस्ट कीवर्ड, लेट कीवर्ड, आपके पास यहाँ पर एरे के अंदर एरे कीज, एरे फाइंड, एरे समथिंग। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास क्या आएंगी, एरे के अंदर मेथड्स निकलेंगी। अब उन मेथड्स में से एक मेथड हमारे पास है, अगर आपको ऐसा फाइंड आउट करना है किस तरीके का बनाना है, तो आपके पास कॉन्सेप्ट है फिल्टर मेथड। आप क्या कर सकते हैं, डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे आपको शॉपिंग साइट जब बनानी होगी तब काम आएंगी ऐसी चीजें, नोट करना है। आपको 100 रुपए से लेकर 500 रुपए के बीच की टी शर्ट खरीदनी है तो आप लूप चलाते, या फिर उसकी जगह पर क्या है आपके पास, फिल्टर मेथड है। वो फिल्टर मेथड में क्या किया, जैसे आपने रिजल्ट इज इक्वल टू यहां पर डिफाइन किया, रिजल्ट इज इक्वल टू क्या लिखा, ए डॉट फिल्टर। एक पैरामीटर ई, ई इंडिकेट्स ऑल द एलिमेंट्स, जैसे आप आई ए आई लिख रहे थे ना, वो ई आई की जगह पर क्या है, अब ई, ई की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये एक नाम है, वेरिएबल है। और अगर आप सिंपल सा किसको एक्सेस करके देखते हैं, यहां पर ई को एक्सेस करके देखते हैं, और अगर आप लॉग करा देते हैं, ध्यान देना, अगर आप लॉग करते हैं किसको, रिजल्ट को, अभी जितनी भी वैल्यूज
10, 20, 30, 40, 50, 13, 15, 16 जो भी वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज किसके पास चली जाएंगी? रिजल्ट के पास। आप नोटिस करना, ये लिखने का एक वे है। हम यहाँ पर पेज पर आए notej.js, तो सारी वैल्यूज किसके पास है? रिजल्ट के पास। मैंने बोला कि E इंडिकेट्स ऑल द एलिमेंट्स। अगर आप यहां पर कंडीशन बना दो कि भाई E ग्रेटर देन किसके 10 के एंड E लेस देन किसके 30 के, कुछ भी ऐसा कुछ कंडीशन बना दो और वो डेटा फिल्टर होके किसके पास चले जाए? रिजल्ट के पास। तो आप यहां पर अगर notej.js फाइल करते हैं तो देखिए, अगर आप यहां पर कंडीशन लेस देन 30 कर रहे हैं तो जससे ज्यादा और किससे कम? 30 से कम। सारा डेटा फिल्टर होके किसके पास चला गया? रिजल्ट के पास। जरूरी बात, मेथड्स एरे के अंदर, और वही चीज आप किससे भी कर पाते हैं? लूप से भी कर पाते हैं। अच्छा ध्यान ये देना मेरे दोस्त, हर काम ना मेथड से ही सक्सेसफुल नहीं है, इसलिए आपको कोर आनी चाहिए। आपका इंटरव्यूअर आपसे ये नहीं बोलेगा कि डायरेक्टली मेथड से करके दिखा। यहाँ पे पॉइंट को नोट करना, इसीलिए आप सी पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त, सी में पढ़ाते हैं सर? बिल्कुल सर। जो बच्चा सही जगह से ग्रोथ करते हुए पढ़ेगा उसके लिए कभी भी आईटी में प्रॉब्लम नहीं होगी। वहां पर आप बेसिक बेसिक चीजों को पढ़ते हो, पूरा कंडीशंस के थ्रू आपको आता है वहां पर। ये तो क्या है, शॉर्टकट है ना, फिल्टर मेथड। इंटरव्यूअर आपसे डायरेक्टली क्या नहीं पूछेगा, एज अ फ्रेशर फिल्टर मेथड से नहीं पूछेगा, कहेगा भाई पूरा कोड लिख के बताओ। जरूरी बात। अगली चीज, अगर यहीं पर मैं कॉमन सी बात करूं, अगली कॉमन सी चीज अभी के केस में, अगर आपसे ये बोला जाए कि भाई जितने भी नंबर्स हैं उनका सम कर दो, जितने भी नंबर आपने लिखे हैं उनका क्या कर दो? सम कर। तो आप एरे के अंदर सारे नंबर्स का आपको सम करना होता तो आप क्या चलाते भाई? लूप चलाते। मेरी हेल्प करना आना चाहिए, ये नहीं आता है तो इसलिए आप सी पढ़िए, मेहनत कीजिए वहां पर, ठीक है? आपको कोई भी कोडिंग लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी, आप पढ़ते ले जाओगे, खाली रटते ले जाओगे बस। हम यहां पर पेज पर हैं, अगर मैंने क्या लिख दिया ए डॉट लेंथ, ए डॉट लेंथ क्या निकालता है? एरे की लेंथ निकालता है कि कितने एलिमेंट है। तो हम यहां पर लिखते हैं आई प्लस प्लस और लेट से मैंने एक सिंपल सा काम किया है, एक वेरिएबल बना रखा है ऊपर सम इज इक्वल टू, उस पर क्या लिखा है? जीरो। तो जैसे जैसे डेटा आता रहे वो क्या होता रहे? सम होता रहे। एक ही बात है ना, सम इज इक्वल टू सम प्लस एआई या सम प्लस इक्वल टू एआई, बात तो एक ही है। और ये सारा डेटा प्लस होता रहे और लास्ट में क्या हो जाए? प्रिंट सम होता है। ऐसा करते बेसिक प्रोग्रामिंग। हम यहाँ पर आए और हमने CLS किया, और यहाँ पर अगर मैं notej.js की फाइल को रन कराता हूँ तो टोटल हो गया क्लियर। अच्छा ये आपको आना चाहिए, ये वाली कोडिंग। अच्छा जावा स्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास इस काम को करने के लिए भी क्या है? मेथड है। अगर आपको सभी नंबर को सम करना है तो उसके लिए भी जावा स्क्रिप्ट के अंदर क्या बना रखी है? मेथड बना रखी है। अब वो मेथड कौन सी है? मेथड है रिड्यूस। ऐसी नंबर ऑफ मेथड्स है। हम यहां पर पेज पर आए, अगर मैंने लिखा ई डॉट इस पर मैंने दो पैरामीटर पास कर दिए, जैसे मैं सम लिखता हूं और क्या लिखता हूं? ई लिखता हूं। सम वही वाला जो अभी लिखा है, ये सम इज इक्वल टू जीरो लिखा था ना, और लेट से जो भी डेटा हमारे पास आ रहा है वो लेट रिजल्ट नाम के किसी वेरिएबल के अंदर आता रहे, ऐसा कुछ भी लिख दिया। और यहां पर अगर आप पेज पर देखते हैं, और मैं यहां पर लिखा सम प्लस ई, ई पर एक एक करके एलिमेंट आते रहेंगे। सम पर बाय डिफॉल्ट जीरो है, जीरो नहीं भी लिखा है तो सम पर क्या आता है? जीरो है। अब सम की जगह पर आप कुछ भी लिखते कोई भी वेरिएबल तो बाय डिफॉल्ट उस पर वैल्यू क्या है? जीरो है। अब यहां पर अगर मैं लिखता हूं लॉग रिजल्ट कंट्रोल प्लस एस, और मैंने क्या किया ऐसे CLS किया और रन करा दी notej.js, तो आ गया 194।
अगर आप सम की डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो आप डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं कि सम पहले से कितना हो, सम पहले से जीरो हो, कॉमा दर सम पहले से कितना हो, सम की वैल्यू पहले से 20 हो, तो 20 और प्लस हो जाएगा, जो भी आपके पास वैल्यू आ रहा होगा आउटपुट उसमें कितना प्लस हो जाएगा, और सम पे अगर स्टार्टिंग में वैल्यू लिखना चाहते हैं तो आप यहां पर लिख सकते हैं, ये एक सिंटेक्स है। क्लियर होगी बात? बट बीइंग अ फ्रेशर आपको कैसी कोडिंग आनी चाहिए, ये वाली आनी चाहिए, ये सम इज इक्वल टू जीरो वाली, ठीक है? आप स्किप करके आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, नहीं तो इंटरव्यूअर आपसे कहेगा पूरा कोड लिख के दिखा, पूरा लूप चला कर दिखा। ये तो सिंपल सा है, ये तो कहीं से कॉपी पेस्ट भी कर दोगे तो भी हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात है? ठीक है, तो आपको कोर समझ में आनी चाहिए, कोर के हिसाब से कोडिंग आनी चाहिए। अच्छा, अगली चीज यहीं पे अगर फोकस करते हैं, आपसे कहा जाए सम इज समथिंग ऐसा मैसेज प्रिंट हो, तो आप सम इज समथिंग कैसे करते थे भाई? आपने कल पढ़ा है बैकटिक सिंबल और आपने सब कुछ लिखना है, तो सम इज किसके अंदर आएगा ये रिजल्ट, करली ब्रैकेट के अंदर और आगे क्या लिख दिया मैंने, डॉलर। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, बैकटिक सिंबल टेम्पलेट लिटरल का कॉन्सेप्ट है, इसके थ्रू हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर होगी ये बात? अगला क्वेश्चन एक बेसिक रखते हैं, अगर मैं पेज पर यहां पे फोकस करता हूं फिर से अगली चीज पे फोकस करते हैं। मैंने यहां पर क्या किया, मान लो आपसे ये बोला, एक बेसिक सा फिर से क्वेश्चन, मान लो आपसे ये बोला कि भाई इसमें कोई वैल्यू है या नहीं है ऐसा फाइंड आउट करो, सर्च करके दिखाओ, ठीक है? कोई वैल्यू इस पर इस एरे के अंदर है या नहीं है ये फाइंड करके दिखाओ, तो आप क्या करते भाई, पहले यूजर से एक्सेप्ट करा लेते वो डेटा, ठीक है? और वो डेटा एक्सेप्ट कराने के बाद आप चेक करते कि भाई इस एरे में कहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है। सी में सब पढ़ते हैं ये, अब यहां पर अगर आप फोकस करते हैं तो आप फोकस कीजिए। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं भाई, अगर आप किसी भी कोडिंग को सीखने के लिए चल रहे हैं और आपको सी नहीं आती है तो प्लीज सी पढ़िए, ठीक है? जहां आप 10 दे रहे होगे वहां 13 और दोगे, 3 और दोगे, 4 और दोगे, बट आप बिल्कुल बेसिक चीजों को समझोगे। ये तो आप हवाबाजी जो करते हुए चीजें करते हैं ना कि भाई मैं सीधे रेलवे को छूंगा, ऐसा वाला केस नहीं होगा। आपको कॉन्सेप्ट तो वहां पढ़ाए जाते हैं, यहां पर तो मैं लिखने के तरीके बता दे रहा हूं कि भाई ये मेथड देख इस मेथड से लिख देते हैं काम, बट हर बार मेथड सक्सेसफुल नहीं होती है। लॉजिक क्रिएशन कहां पर होता है, बेसिक में। आपको एक सिनेरियो पे भी अभी दिखाऊंगा, धीरे धीरे जब पढ़ते जाएंगे ना तो एक जगह दिखाऊंगा कि भाई देख ये सक्सेस ही नहीं कर रही मेथड, आप देख तेरे को कोड लिखना पड़ेगा अब यहाँ पे। अब यहां पर पेज पे फोकस करना, कोई भी नंबर है या नहीं है ये फाइंड आउट करना है। तो लेट से मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, मैंने लिखा नंबर इज इक्वल टू, अभी मैं खुद से लिख दे रहा हूँ, लेट से मैंने कोई भी एक नंबर लिख दिया, लेट से मैंने इस पे नंबर लिख दिया 40, कोई भी एक नंबर ऐसे रैंडम, ठीक है? मैं यूजर से एक्सेप्ट नहीं करा रहा हूँ, मैंने सिंपल नंबर इज इक्वल टू ऐसा कुछ लिख दिया। और अगर मैं यहाँ पर लिख दू फॉर I is equal to 0 से लेकर I less than a dot length, और I क्या होता रहे, प्लस प्लस होता रहे। मैंने यहां पर कंडीशन बनाई, अगर नंबर डबल इज इक्वल टू अगर किसके हो गया, a of I के हो गया, तो एक वेरिएबल ऊपर बनाते हैं, हालांकि आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, आप एक वेरिएबल बना के रखते हो फ्लैग पे, स्टार्टिंग में क्या देख के चलते हो, जीरो, ऐसा पढ़ाते हैं आपको, फ्लैग वेरिएबल बना देते हैं, ठीक है? आप फ्लैग की जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं, तो वेरिएबल का नाम फ्लैग ही मैंडेटरी नहीं है, बट फ्लैग एक क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर आप फॉर बनाते हो तो आई इज इक्वल टू जीरो लिखते हो, जबकि आप जे इज इक्वल टू जीरो, के इज इक्वल टू जीरो लिख के भी कर सकते हो, ठीक है? ये कॉमन सिनेरियोस रहते हैं। आप यहां पर पेज पर आया तो आपने क्या करा, जब भी हमारे पास डेटा फाइंड आउट होगा तो आपने यहां पर फ्लैग की वैल्यू क्या कर दी, लेग से
वन कर दी और यहां पर क्या कर दिया चीजों को ब्रेक कर दिया कि भाई जैसे ही मिलेगा वैसे ही फ्लैग की वैल्यू वन कर दे और क्या कर दे ब्रेक कर दे। और यहां पर आप कंडीशन बना देते नीचे इसके लूप के बाहर क्या कंडीशन बना देते कि अगर फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाती है वन होती है तो आप कंसोल पर लिख देते डेटा फाउंड कंसोल डॉट लॉग आप यहां पर लिख देते क्या डेटा फाउंड ऐसा कुछ भी नॉर्मल लिख दिया मैंने। और अगर डेटा फाइंड नहीं होता तो आप किसकी कंडीशन लगाते एल्स और यहां पर अगर आप लिख देते कंसोल डॉट लॉग डेटा नॉट नॉट फाउंड ऐसा लिख देते क्लियर हो रही बात। तो एक जगह तो आपने डेटा फाउंड लिखा एक तरफ क्या लिख दिया डेटा नॉट और कंट्रोल प्लस एस सेव किया। और अगर आप यहां पर सी एल एस करके इस पर्टिकुलर फाइल को रन कराते हैं जी डॉट जी एस तो आपको इमेज क्या मिलता है डेटा फाउंड क्योंकि भाई 40 तो है 45 नहीं है ना। कंट्रोल प्लस एस मैंने यहां पर रन कराया सी एल एस किया और रन करा दी फाइल नोट जी डॉट जी एस तो आपको क्या मिलता है क्योंकि मैंने नंबर पर अभी क्या चेंज कर दिया 45। ये बेसिक प्रोग्रामिंग है ठीक है। अगर आप एडवांस जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो मेरे दोस्त आपको एरे क्या होता है पता होना चाहिए। अब आपको मैं थोड़ी पढ़वाऊंगा एरे अब आप खुद सोचो आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट नहीं आती है आप मेरे से कह रहे हो मेरे को एडवांस पढ़नी है। मैंने एरे पे तो डिस्कस नहीं किया ना कुछ मैंने ए डॉट लेंथ तो नहीं बोली क्योंकि वो तो बेसिक में पढ़ा दी होगी। एरे क्या होता है एरे के अंदर कितनी वैल्यूज जाती है वो सब कुछ आता चाहिए आपको नहीं आता है तो उसको पढ़ने के लिए आप बेसिक सीख से शुरुआत कीजिए अभी भी टाइम है कहीं ऐसा ना हो कि आप सब पढ़ लें फिर आपको दिक्कत हो जाए कि भाई मेरे को तो कुछ नहीं आता है। वो आपको लॉजिक क्रिएट करने में हेल्प देगी। यहां पर आप पेज पर देखिए इसी प्रोग्राम को जहां पर आप इतना बड़ा लिखते थे उसी की जगह पर अगर मैं सिंपल अभी कोड को रखता हूं तो यहां पर अगर मैंने इसे कमेंट किया तो आपके पास मेथड है। मेथड क्या है फाइंड अगर आपने यहां पर लिखा लेट इट्स रिजल्ट इज इक्वल टू कुछ भी एक वेरिएबल ऐसे कुछ भी बना दे रहा हूं और आपने लिखा ए डॉट फाइंड ई पर एक एक करके सारे एलिमेंट आते रहते हैं ई की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं एक इंडिकेशन लिखी जाती है एलिमेंट के लिए। मैंने लिखा अगर ई डबल इज इक्वल टू किसके हो जाए 40 के हो जाए और मैं यहां पर लॉग करा दूं किसको रिजल्ट को अभी आप देखना तो आप सिंपल सी एल एस कराते हैं और नोट जी डॉट जी एस लिखते हैं तो आपको क्या मिल रहा है 40। अच्छा अगर कोई वैल्यू आपके पास नहीं है जैसे अभी 45 नहीं है कंट्रोल प्लस एस और आपने सी एल एस किया और रन कराया नोट जी डॉट जी एस तो आपको क्या मिलता है एंड अगर वैल्यू है तो सेम वैल्यू मिल रही है अगर वैल्यू नहीं है तो क्या मिल रहा है अनडिफाइंड। आप यहां पर कंडीशन बना सकते थे क्या कंडीशन बना सकते थे इफ रिजल्ट अगर रिजल्ट पर कुछ आता है तो डेटा क्या है फाउंड है सिंपल हो जाता ना काम तो आप यहां पर कंडीशन बना देते डेटा क्या हो गया फाउंड है और एल्स के केस में आप कंडीशन बना देते क्या डेटा नॉट फाउंड। जब डेटा नहीं मिलता है तो उस केस में क्या आता है अनडिफाइंड आता है ये भी पॉइंट को नोट करते हुए सुनना है ठीक है। मैंने डेटा नॉट फाउंड ऐसा कंडीशन बना दी जो आपने उतना लिखा था उसकी जगह पर आप क्या कर रहे हैं अभी फाइंड मेथड का यूज कर ले रहे हैं और फाइंड मेथड का यूज करके इस तरीके से लिख रहे हैं डेटा नॉट फाउंड क्योंकि 45 है नहीं। अगर मैंने यहाँ पर 13 लिखा तो 13 तो है एरे के अंदर और यहाँ पर अगर आप सी एल एस करते हैं और रन करा देते हैं फाइल को नोट जी डॉट जी एस तो क्या मिलता है डेटा फाउंड। इज दिस क्लियर। तो एरे के अंदर नंबर ऑफ क्या बना दी गई मेथड्स का हमारे पास रिड्यूस है फाइंड है इसी तरीके से मैप है और आगे हम चीजों को समझेंगे। तो एरे क्या होता है बेसिक आप प्लीज पढ़ना वो 0 1 2 3 4 इंडेक्स का भी मैंने कोई चर्चा नहीं करी क्लियर हो रही बात है ठीक है कि भाई एरे के अंदर ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट हैं। ES6 के अंदर ES6 तो कुछ है नहीं ES6 क्या लेके आई है मेथड्स एड ऑन करते हुए आई यहाँ पर आप देखिएगा देखो एरे डॉट फाइंड है लिखिए एरे डॉट फाइंड यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए फाइंड मेथड रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एरे एलिमेंट दैट पासेस अ टेस्ट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज लार्जर देन 18
यहाँ पर कंडीशन बना रखी है और लिखने का तरीका बता रखा है कि भाई इसको कैसे कैसे बनाया गया है। मैं डायरेक्टली शॉर्ट हैंड यूज कर रहा हूँ। देखिए लिखी कैसे गई है, कुछ इस तरीके से। इसीलिए प्लीज आप इन चीजों को भी चेक कीजिए। देखो एक फंक्शन में आया है, उससे क्या करा रखी चीजें रिटर्न करा रखी है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बना के। बट उससे अच्छा क्या है, अगर आपको डायरेक्टली सिंटेक्स ही समझना है तो वो सिंटेक्स क्या है, ये क्लियर। तो आज सिर्फ इतना ही, आपको सिर्फ पढ़ना है स्ट्रिंग और टेम्पोरल डेड जोन और बेसिक एरे की चीजें, कि सम कैसे करते हैं, मिनिमम मैक्सिमम कैसे फाइंड करते हैं एरे के अंदर, ठीक है, कोई नंबर है या नहीं है, ऐसा सर्च कैसे करते हैं एरे में, ये बेसिक चीज।